त्रेता युग में जब राजा दशरथ का निधन हुआ, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अवतार राम और सीता ने बिहार के बोधगया में राजा के पिंडदान के लिए पहुंचा। उस समय माता सीता ने चार व्यक्तियों को एक ऐसे श्राप से प्रभावित किया जिसका अभी भी प्रमाण है। नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम आपको वह चार व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जो आज भी माता सीता के श्राप का प्रभाव महसूस कर रहे हैं। बोध गया पहुंचने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण ने पिंडदान के लिए सामग्री लेने का निर्णय किया, परंतु इन दोनों भाइयों की देरी हो गई जिसके कारण पिंडदान का समय बिता जा रहा था। तब अचानक राजा दशरथ प्रकट हो गए और सीता मैया से कहा कि उन्हें बहुत भूख लगी है और पिंडदान की तैयारी करें। सीता मैया ने उत्तर दिया कि वह अपने पुत्रों के आने का इंतजार करें ताकि वे चावल और तिल के पिंड तैयार करके उन्हें दान कर सकें। परंतु दशरथ ने प्रतीक्षा करने को इनकार किया और माता सीता से कहा कि वह फल्गु नदी के किनारे के रेत से पिंड बनाएं और दान करें। इस पर माता सीता ने राम और लक्ष्मण के आने से पहले ही संपूर्ण विधि विधान के साथ पिंडदान कर दिया। उस समय जो वहां मौजूद थे और माता सीता को पिंडदान करते हुए देख रहे थे, वे सभी साक्षी थे। क्रमशः फल्गु नदी, एक गाय, एक तुलसी का पौधा, एक ब्राह्मण और अक्षय वट का वृक्ष के साथ थे। जब राम और लक्ष्मण वापस आए और पिंडदान की बात पूछी, तो माता सीता ने समय की महत्व को बताते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही पिंडदान कर दिया है। सीता ने उन पांचों को राम के सामने सत्य बोलने के लिए कहा, परंतु वट वृक्ष को छोड़कर सभी ने झूठ बोला। नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण ने सीता माँ के पिंडदान की असत्यता की बात की। इसके बावजूद राजा दशरथ की आत्मा ने इसे स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण के सामने स्वीकार किया। सीता ने उन्हें विधिवत पिंडदान दिया था। इससे सीता जी की सत्यता सिद्ध हुई, लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सीता ने चारों को श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप मिला कि यह गया में केवल पृथ्वी के नीचे बहेगी और ऊपर से सदा सूखी रहेगी। गाय को श्राप मिला कि हर घर में गाय की पूजा होगी, लेकिन उसे झूठा भोजन खाना पड़ेगा। तुलसी को श्राप मिला कि गया में तुलसी नहीं होगी। ब्राह्मणों को बताया गया कि वे जीवन में कभी भी खुश नहीं होंगे और वे हमेशा गरीबी में रहेंगे। अंत में सीता जी ने वट वृक्ष को वरदान दिया कि जो भी गया में पिंडदान करने आएगा, वट वृक्ष को भी पिंडदान करेगा। चार साक्षी आज भी सीता माता का श्राप भोग रहे हैं। और इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। आशा है आपको हमेशा की तरह ये वीडियो भी पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।